नगर निगम स्कूलों की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए दावत ए इस्लामी के सेंटर को पुलिस के साथ ही केडीए नगर निगम और शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने विभागों को लेटर लिखकर जानकारी मांगी है, तो वहीं कर्नलगंज थाना प्रभारी बलराम मिश्रा ने मौके पर जाँच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि इमारतों में सबसे आगे कानपुर हिंसा के बाद दावत ए इस्लामी का मदरसा और कार्यालय खुला है। कानपुर हिंसा के 7 दिन बाद इसकी शुरुआत की गई थी, ये कार्यालय रेंट पे खोला गया है। तो वहीं चमनगंज की जरीना फातिमा पत्नी गुलाम मोहम्मद के नाम से है, मदरसे में 80 छात्र भी पढ़ रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने इस एंगल पर जांच शुरू कर दी है कि आखिर हिंसा के बाद ही दावत ए इस्लामी का सेंटर यहां क्यों खोला गया है। वहीं छोटे मियां के हाता स्थित दावते इस्लामी के आगे 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, इसके पीछे चोरी छुपे एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर वहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगाए गए मिड डे मील और बच्चों के पढ़ाने के लिए गिनती के पोस्टर तक लगे हैं, इससे ये साबित होता है कि वहाँ स्कूल हुआ करता था। वहीं पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।